हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। वेकेशन हो और घर में कुछ अच्छा ना बने ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ पनीर कोफ्ता। मैं रेसिपी स्टार्ट कर रही हूँ। हमें गैस को चालू कर देना है। मैंने ये 3 टमाटर लिए हैं और 3 ऑनियन लिए हैं। मैं जैसे ही पानी थोड़ा सा गर्म हो जाए उसके अंदर ये 3 टमाटर बॉयल करने के लिए एंड ये जो हमने अनियन काटी थी 3 ये बॉईल करने के लिए रख लेते हैं। अभी बीच में एक बार देख लेने का कि ये बॉईल हुए हैं कि नहीं, ये फोर्क से ऐसे देख लेने का। देखो अभी नहीं हुए हैं, थोड़े इसमें बाकी है कसर। ये हो जाए फिर उसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। अभी नहीं हुए हैं तो थोड़ा देर के लिए और इसको होने दीजिए। चलो अब हम वापस से इसको एक बार और देख लेते हैं। यस, अब ये बिल्कुल परफेक्ट बॉईल हो गए हैं। देखो टमाटर है उसका, देखो ये जो छिलका होता है वो अलग होने लगा है टमाटर से, तो समझ जाने का कि ये अब बिल्कुल रेडी हो गया। हम फ्लेम को बंद कर देते हैं। अब हम इसको ग्रेवी बनाते हैं। इसकी आप देख सकते हो ये बिल्कुल बॉईल हो चुके हैं। थोड़ी देर के लिए इनको हम 10 मिनट के लिए ठंडा होने देते हैं, फिर इसकी ग्रेवी बनाएंगे। अभी ठंडे हो चुके हैं। देखो मैंने इनका छिलका है टमाटर से अलग कर दिया है। अब हम इसको मिक्सर जार में डालते हैं। ग्रीन चिली इसके अंदर और अदरक, थोड़ा सा इसमें अदरक हम डाल देते हैं। गार्लिक, अब इसकी हम पेस्ट बना लेते हैं। ये मैंने पनीर पहले से क्रश करके रखा है। इसमें 2 आलू मेस करने हैं। 2 आलू इसके अंदर डाल दिए हैं मैंने। और इसको बाइंडिंग करने के लिए हमें इसमें 2 टेबलस्पून बेसन डालना है। बेसन की बजाय आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हो क्योंकि बाइंडिंग के लिए चाहिए। इसमें हरा धनिया डाल दिया मैंने। स्वाद अनुसार इसमें आप मसाला डाल सकते हो। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च और 1/2 टेबलस्पून इसके अंदर हमने हल्दी डाली। स्वाद अनुसार इसमें हमें नमक डालना है। उसके बाद गरम मसाला। अब हम इसकी बाइंडिंग बना लेते हैं। बाइंडिंग के लिए रेडी हो गया है। अब इन सब चीजों को हम मिक्स कर लेते हैं। अभी इसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसके बॉल्स बनाएंगे। बॉल्स बनाएंगे तब तक हमने हाई फ्लेम पर ये तेल गरम करना रख दिया है। अब हमें इसके बॉल्स बनाने, जैसे बॉल्स आपको पसंद हो वैसे आप बना सकते हो। अब मैंने सारे बॉल्स बना लिए हैं। 3 हाई फ्लेम पर है, हमें थोड़ा चेक कर लेना चाहिए कि तेल गर्म हुआ कि नहीं। अभी थोड़ा सा बाकी है, तेल थोड़ा गर्म हो जाने दो। हाई फ्लेम पे मैंने रखा है। तेल वो गर्म हो गया है, जैसे हमने ये डाला तो ऊपर आ गया है। अब हमें हाई फ्लेम पे था, लो फ्लेम कर देना है और हमें एक एक बॉल्स इसमें ऐसे डालने हैं। लो फ्लेम पे ही रखना है क्योंकि अगर लो फ्लेम पे नहीं रखेंगे तो हमारे बॉल्स हैं वो ऊपर से ब्लैक हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए लो फ्लेम पे ही इसको हमें तलना है। आप देख रहे हैं इसमें बबल्स आ रहे हैं, तो तेल एकदम बिल्कुल परफेक्ट गर्म हो चुका है। अभी इनको धीरे धीरे जार से हिलाने का, ज्यादा नहीं एकदम सॉफ्ट
नहीं तो ये टूट जाएंगे बॉल्स। बीच बीच में आप चेक करते रहिए कि बॉल्स गोल्डन कलर के हुए हैं कि नहीं। अब आप देख सकते हैं कि ये सुनहरे कलर के हो गए हैं, एकदम गोल्डन गोल्डन कलर हो गया है, देख लीजिए। तो मतलब कि बॉल्स एकदम रेडी हो चुके हैं। अब इनको हम निकाल लेते हैं, देख लीजिए एकदम बॉल्स क्रंची क्रंची हो गए हैं। तो समझ लीजिए कि बॉल्स रेडी हो गए। बॉल्स रेडी हो गए हैं, एक बार आप चेक कर सकते हैं इसको तोड़कर, देख लीजिए एकदम बिल्कुल रेडी हो गए हैं, सब्जी बनाने के लिए रेडी हो गए हैं। सबसे पहले हमें तेल रख देना है, 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल डाल देना है। अब ऑयल गर्म हो जाए उसके बाद इसमें तेज पत्ता, और मैंने इसके अंदर तेज पत्ता डाला है, फिर लौंग डाली है और दालचीनी डाल दी है, और थोड़ा सा इसमें जीरा डाल दिया। अभी भुने जब तक हमें वेट कर रहे हैं। अब इसमें जो हमने ग्रेवी बनाई थी, टमाटर, अनियन, गार्लिक, ग्रीन चिली, वो सब इसके अंदर हमने डाल दिए। अब हमें अच्छे से गैस की फ्लेम को तेज कर देना है, और हमें इसको अच्छे से, जब तक ये ऑयल नहीं छोड़े तब तक हमें इसको अच्छे से भूनना है। लो फ्लेम पे ही भूनना है इसको। हमें बीच बीच में ग्रेवी को चेक करते रहना चाहिए कि ये रेडी हुई कि नहीं, लेकिन अभी नहीं हुई है क्योंकि ग्रेवी ने अभी ऑयल छोड़ना धीरे धीरे स्टार्ट किया है। और हम 5 मिनट रखते हैं। अब आप देख सकते हैं ग्रेवी ने अपना ऑयल साइड में से छोड़ना कर दिया है। तो समझ लीजिए कि ग्रेवी है वो अभी रेडी हो चुकी है। अब हमें इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च डालनी है, 1/2 टेबल स्पून हल्दी डालनी है, 1/2 टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर डालना है, इसको मिक्स करना है। देख लीजिए हल्दी से कलर चेंज हो रहा है ग्रेवी का। इसमें 1 टेबल स्पून नमक डाल देना है, ग्रेवी बिल्कुल बनकर रेडी हो गई है। ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो गई है, छोड़ दिया है ग्रेवी में। अब हम इसमें 1 गिलास इसमें पानी डाल देते हैं, इसको धीरे धीरे हमें मिक्स करना है, गैस की फ्लेम हाई करनी है। ग्रेवी और पानी को थोड़ा मिक्स होने दीजिए, जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाए तब तक हमें इसको थोड़ा सा मिक्स करना। अब देख लीजिए पानी और ग्रेवी मिक्स हो गए हैं। तो हमें अभी 3 टेबलस्पून इसके अंदर काजू की ग्रेवी मैंने जो बना के रखी थी ऑलरेडी पहले से, वो हमें डाल देनी है, ताकि उसका टेस्ट एकदम अच्छा आए। देख लीजिए अगर काजू की ग्रेवी नहीं हो तो आप इसके अंदर फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। अब इसमें कसूरी मेथी डाल देते हैं, कसूरी मेथी से टेस्ट एकदम डिफरेंट हो जाता है। आप देख लीजिए इतना अच्छा कलर दिख रहा है आपको ग्रेवी का, ग्रेवी बनकर रेडी हो गई है। अब हम इसमें बॉल्स डालेंगे, एक एक करके हमें इसके अंदर बॉल्स डाल देने हैं। अब
देख लीजिए सारे बोन्स ग्रेवी के अंदर समा गए हैं। आप अपनी ग्रेवी जिस प्रमाण आपको अच्छे लगे उस प्रमाण आप कर सकते हैं। दो मिनट के लिए हमें इसको ढक करके पकाना है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पनीर कोफ्ता बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब हम गार्निश करते हैं इसकी। देख लीजिए आप ग्रेवी और बॉल्स। ग्रेवी के अंदर बॉल्स डालने के बाद बॉल्स थोड़े से बड़े हो गए हैं। अब हम गार्निश करते हैं। आप देख लीजिए मैंने ये फ्रेश क्रीम दी है। आप अगर फ्रेश क्रीम नहीं हो तो आप मलाई को भी मैश करके इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया इसके अंदर डाल दीजिए। मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आगे ऐसे ही बहुत सारी रेसिपी मैं बनाती रहूंगी और शेयर करती रहूंगी।